पंजाब सरकार वालों कलैक्टर रेटा विच किए गए 90% तो 100% वाधे के विरोध में फाजिलका डीलर एसोसीएशन वालों पिछले 5-4 दिनों तो तहसीलदार दफ्तर के समक्ष धरना लगाया गया सी। ये धरना लगातार चल रहा है जिथे आम आदमी पार्टी की सरकार ये वधाए गए रेट वापस लैन की मांग की जा रही थी। इस धरने अज फाजिलका के स्थानक विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना अते पंजाब आम पार्टी ट्रेड विंग दे जॉइंट सकत्तर अरुण वधवा, ट्रक यूनियन फाजिलका दे प्रधान मनजोत खेड़ा विशेष तौर पर पुजे, जिथे उन्होंने डीलर एसोसीएशन दी मुश्किलां सुनिया अते फौरी तौर पर मंत्री नाल फोन ते गल कीती अते डीलर एसोसीएशन नूं यह विश्वास दवाया भी जल्द ही वह इन्हां नूं अपने नाल चंडीगढ़ लिजा के मंत्री नाल गलबात कराणगे अते इन्हां दीआं मुश्किलां नूं दूर कराणगे। इस तों इलावा तहसीलदार फाजिलका दफ्तर विच होर किसी तरह की जिहड़ी मुश्किल आ रही है उन्हें फौरी तौर पर अज तो ही हल कराया जाऊगा। जिस आश्वासन तो बाद डीलर एसोसीएशन फाजिलका वालों ये धरना चक लिया गया है। इस मौके बोलते हुए स्थानक विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना और डीलर एसोसीएशन के प्रधान ने की कुछ कहा, ये सब कुछ जानने लिए साढ़े नाल बने रहो। साडे जो भरा ने प्रॉपर्टी डीलर ने जिश ने उन्होंने कुछ मुश्किलां सीगियां जो उन्होंने आप मुश्किलों लिए तहसील कंपलैक्स के लिए कामकार छड़ के बैठे से, मैं उन्होंने मिलने आया से और उन्होंने जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने मुश्किलां सुनिया ने और जिहड़ियां इन्हां दे मुश्किलां ने असी बहुत जल्दी एक दिन दे विच डी साहब सारा प्रशासन और मैं आप बैठ के एक मीटिंग कर जा रहे हैं जो समस्यावान आ रही हल करा और जो सरकार लैवल दशकल ने वो नैक्सट वीक असी साढ़े मानयोग मंत्री माल मंत्री श्री जिंपा जी उन्होंने को जाके असी जिन्ना इन्हों दशकल जी दस के उतों हल करवा के जी लैके आवेंगे। एमएलए साहब देखो ने भी मिल रहे कोलोनाइजर वालों कलोनी कट दी जाती है पर उन्होंने पास नहीं कराया जाता या उन्होंने हैंडओवर कमेटी नहीं किया जाता, उनके लिए सरकार उन्होंने की एक्शन लै रही है? वो इतने साढ़े नोटिस आया से, मेरे आप ही नोटिस आया से, दो तीन कलोनिया इतने नजायज़ तौर पर कटिया जा रही सी, नाल दी नाल ही असी एक्शन लेंदे हुए उन्होंने नोटिस कटिया और जे उन्होंने नजायज़ तौर पर उन्होंने को जवाब मंगया, जे उन्होंने कोई अप्रूवल है कलोनी कट्टन की तो ठीक है, जे नहीं अप्रूवल है तो बहुत जल्द असी इन्हां जिहड़ियां नजायज़ कलोनिया हुण कट रहे हैं इन्हां सारे ते कार्रवाई करा। जिहड़ी कलोनिया सर चल रही जिन्हें कंस्ट्रक्शन भी इत्थे चल रही कई कलोनिया ने, कि नगर कौंसल वालों कोई कार्रवाई की जा रही है? हाले तक तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा भी कोई कार्रवाई की जा रही है। नगर कौंसल वालों उन्होंने नोटिस भेजे गए हैं, एक बार काम बंद है, जे उन्होंने कोई भी प्रूफ है कोई भी उन्होंने कागज़ ने अप्रूव्ड कलोनिया के कलोनी नवी कलोनी उसारण दे तो सानू लिया के नगर कौंसल विखा देन, जे नहीं ने तो उन्होंने खिलाफ अभी कार्रवाई करी जा रहे हैं। हम तो की आश्वासन दे के उन्होंने उठाया गया जे तो देखो मैं तो यह सारे वीर ने साडे फाजिलका दे सारे साडे भरा ने इन्हों यही किया नैक्सट वीक असी मंत्री जी नाल साडे माल मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा जी उन्होंने जाके इन्हों की मुलाकात करवा के जिन्हें इन्हों मुश्किल ने उसे रखा तो बहुत जल्द इन्हों का हल करा लगा प्रयास। ठीक है सर। हाँ जी सर, की नाम है अपना जी? मेरा नाम संदीप कुमार सोनू है जी। कैड़ी मंगा लैके हड़ताल से बैठे से एम एल ए साहब वालों की आश्वासन दिता गया है? असी एक तो साड़ी एन ओ सी की प्रॉब्लम चल रही थी बड़े दिनों तो जी, मतलब 3-4 महीने तो एन ओ सी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, एन ओ सियाँ नहीं जारी होंदियाँ, एन ओ सी के मुताबिक सानू बड़े मतलब कोई सृष्टियां नहीं होंदिया, मतलब बड़े लोग इस चीज़ परेशान से, इस करके एन ओ सी का एक मसला साडा सी वड्डा मुद्दा सी। एक साडा जिहड़े सरकार ने 10 हफ्ता पहले कलैक्टर रेट वधा दिते है जिहड़े कि मतलब पहले रेट जो जिन्ने रेट से 40-50% बहुत वड्डा मुद्दा सी। एक साडा जिहड़े सरकार ने 10 हफ्ता पहले कलैक्टर रेट वधा दिते है जिहड़े कि मतलब पहले रेट जो जिन्ने रेट से 40-50% 60% तक रेट होर वधाते उस दो मुद्दे से असी जी असी हड़ताल की हुई सी, उस धरना दिते उस बैठे से। की हुण तुहाडे वल्लों धरना खत्म कर दिता गया है जी? हाँ जी, हुण साडे मानयोग एम एल ए साहब सवना साहब ने जो आपदे साडे नाल आ के साडे नाल बैठे ने आश्वासन दिता है भी असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ, साडा मसला हल करा के देणगे। वेखो जी विश्वास तो हुण साडे एम एल ए साहब ने साडे हल्के दे ने सानू इन्हां नाल हुण इन्हें आ के जी विश्वास दिता, सानू विश्वास तो करना पेगा जी, इन्हां नाल सानू रल के चलना पेगा जी। इस करके असीं तहसीलदार साहब ने भी किया, सानू कल डी सी साहब ने भी मिले, डी सी साहब ने भी सानू पूरा विश्वास दिता भी सानू तुसीं लिख के दिओ
ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਮੇਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਿਖਾਉਣਾ। ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।